ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए गार्डन निर्माण कार्य शुरू किया गया। यहां कई किस्म के पौधे रोपी किए जाएंगे। DRM भूसावल इति पांडे ने इस गार्डन में पौधे रोप करके इसकी शुरुआत की है। रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण में दाऊदी बोहरा समाज की विश्व प्रसिद्ध दरगाह हकीमी प्रबंधन कमेटी द्वारा 53वें धर्मगुरु सैयदना डॉक्टर मुदफ्फल मुजफ्फुद्दीन की प्रेरणा से दरगाह हकीमी प्रबंधन शेख सब्बीर एवं उप प्रबंधक शेख मुस्तफा उज्जैनी के मार्गदर्शन में 9000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की जगह पर गार्डन निर्माण किया जा रहा है। समिति के तवसुफ हुसैन मुलायम वाला ने बताया कि सैयदना साहब के संदेश क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया से प्रेरणा लेकर गार्डन तैयार कराया जा रहा है। इससे स्वच्छ वातावरण साथ साथ यात्रियों के बैठने की व्यवस्था भी रहेगी। जानते हैं दरगाह हकीमी एक सामाजिक ट्रस्ट भी है और ट्रस्ट और हमेशा हर काम में साथ देती है। उसी तरह उसी गाड़ी के अंदर अभी स्टेशन मास्टर का कुछ दिन पहले हमारे जो दरगाह हकीमी के मैनेजर हैं शेख शब्बीर भाई साहब और मुस्तफा भाई साहब, इनको दोनों को बुला के उन्होंने बताए थे कि ये जगह है, यहाँ क्या हो सकता है। तो हमारे दोनों मैनेजर साहब ने बोले हमारे हिसाब से जैसे गार्डन वगैरह अच्छा डेवलप कर देंगे तो 9000 स्क्वायर फीट ज़मीन पे ये जो गार्डन है दरगाह हकीमी द्वारा ये गार्डन बनाया जा रहा है और इसमें सब किस्म किस्म के पौधे और गत्ता घास जिसमें तकलीफ ना हो। हाँ, जितने यात्री जो लोग हैं उन यात्रियों के लिए मतलब एक प्रतीक्षालय टाइप रहेगा और इसको दरगाह हकीमी बराबर मेंटेन करेगा और जिस काम में दरगाह हकीमी ने लिया है उसको बराबर पूर्ण किया है। सर, ये जो गार्डन बन रहा है तो यात्री सुविधा के लिए बन रहा है, जैसे यहाँ पे कोई भी यात्री प्रतीक्षालय में रुकता है तो यहाँ पे उनको बेंचेस की व्यवस्था करी जाएगी और इसके अंदर मतलब 12 महीने जो फ्लावरिंग है, जैसा कोई भी यहाँ आए तो उसको एकदम महक के साथ, इसमें डेली लिली है, गोल्डन डुरंडा है, फिर तुम्हारा कारपेट लॉन है, बुगनबेलिया है, गुलाब है, पेट्रा करोटन है, ये अलग अलग ऐसे 950 प्लांट यहाँ प्लांट किए जा रहे हैं, प्लस उसमें 6500 लॉन और बाकी पौधा, मतलब टोटल जगह 9500 स्क्वायर फुट में ये गार्डन डेवलप हो रहा है जिसमें 6500 लॉन और बाकी एरिया में पूरा पौधे है। तो पौधे 12 महीने सीजनल फ्लावर है और 12 महीने फ्लावरिंग आने वाला है और ये यहाँ का जो रेलवे स्टेशन का एनवायरनमेंट है उसको अच्छा साफ सुथरा और एवरग्रीन रखने के लिए, जैसा सैयदना साहब हमेशा बोलते हैं कि क्लीन रखो ग्रीन रखो और पौधे वृक्षारोपण का जो उन्होंने एक लक्ष्य किया है तो उस लक्ष्य के तहत दरगाह हकीमी द्वारा ये जो आज का गार्डन है इसका उद्घाटन डीआरएम मैडम ने खुद आके यहाँ पे आज उसका ओपनिंग किया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।